Kulumbai, welcome back to my channel, guys. So today I'm gonna share my experience about hair extension. और मैं अभी दिल्ली में हूँ guys. मैं हेयर एक्सटेंशन मैंने जो किया था उसके लिए मुझे रिफिल करने के लिए आना पड़ा दिल्ली. तो दिल्ली में इतनी गर्मी है, पता नहीं क्यों मैं तो नहीं रह सकती हूँ इतना देर तक. तो अभी हम लोग गाड़ी में से जा रहे हैं मंजूदी के स्टूडियो और जल्दी ही पहुँचने वाले हैं वहाँ पे. तो मैं आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरे हेयर एक्सटेंशन के बारे में. और आप लोग वीडियो को एंड तक देखते जाइए सो दैट मैं कैसे केयर करती हूँ और कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ और कितने दिन के बाद रिफिल करनी पड़ती है उसके बारे में बात करूँगी आज. सो चलो गाइस मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस अभी मैं मंजूदी के स्टूडियो पहुंच गई हूं और आप लोग को एक बार बता देती हूं कि दिल्ली एयरपोर्ट से मंजूदी के स्टूडियो तक जाने के लिए अराउंड 1 आवर तो लग जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और अभी तो बहुत समर में इतना गर्मी है दिल्ली में. और अभी देखिए गाइस मेरा जो हेयर एक्सटेंशन है वो बहुत नीचे आ गए है क्योंकि मैंने 4 मंथ्स पहले ही हेयर एक्सटेंशन किए थे और मेरा बाल ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है इसलिए मुझे 4 मंथ्स के बाद रिफिल करने के लिए आनी पड़ी क्योंकि किसी का तो 3 मंथ के बाद ही आ जाते हैं लेकिन मेरा जल्दी से वो ग्रोथ नहीं होता है हेयर. इसलिए तो आप लोग देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती रहूँगी क्या क्या करते हैं रिफिलिंग में. स्टैंड निकालेंगे, रिफिल करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे. मैम के स्टैंड निकालने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैम को कैसा लगा और कैसे हमें स्टैंड लगा है तो आप देख सकते हैं. मैम के स्टैंड नीचे आ गए हैं सारे, पहले हम निकालेंगे इनको, देख सकते हो आप कम से कम ये 2 से 2.5 इंच नीचे आ चुका है स्टैंड. हम इसको निकालने के बाद सारे स्टैंड निकालेंगे, फिर हेड वॉश करेंगे, स्पा करेंगे, केराटिन करके देन स्टेंशन लगा देंगे. तो मैं उसका भी आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, निकालने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैम के जो हेयर क्वालिटी है वो कैसी है. सो गाइस अभी वो लोग मेरा जो हेयर एक्सटेंशन है उसका ग्लू को मतलब रिमूव कर करके हेयर एक्सटेंशन एक्स्ट्रा निकाल के रख देगा क्योंकि उसको रिफिलिंग करने के लिए गई हूँ. तो उसको फिर से निकाल के उसको क्लीन करने के बाद ही मेरे बालों में फिर से लगाएंगे. तो वैसे तो हेयर एक्सटेंशन 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि मैंने अभी किया है उसको बोलते हैं कि केराटिन ग्लू हेयर एक्सटेंशन और बाकी 2 माइक्रो रिंग मतलब माइक्रो रिंग से भी हेयर एक्सटेंशन करते हैं और तीसरा वो टेप टाइप का होता है, टेप से भी हेयर एक्सटेंशन करते हैं. लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अच्छी लगती है RIP माय हिंदी क्योंकि मुझे हिंदी ज़्यादातर कंफ्यूज होती है कि कभी कभी मैं लगता है लगती है ये सब यूज़ करती हूँ तो उसके लिए सॉरी गाइस. तो मैंने किया है केराटिन ग्लू हेयर एक्सटेंशन. तो अभी मेरा हेयर वॉश कर रहा है वो लोग. तो वॉश करने के बाद देखो गाइस मेरा ओरिजिनल हेयर इतना ख़राब है, देखो देखो इसलिए मैंने हेयर एक्सटेंशन किया है. सबका नसीब में थोड़ी अच्छी वाली बाल होते हैं, मेरे पास नहीं है गाइस. सो गाइज बहुत बुरी दिखती हूँ ना मैं अपनी ओरिजिनल हेयर से क्योंकि मैं ज़्यादातर वो फ़ोटोशूट वगैरह में वो स्प्रे वगैरह और हेयर स्टाइल मतलब डिफरेंट टाइप का वो करने से प्रोडक्ट्स वगैरह में केमिकल होते हैं तो इसलिए मेरा बाल बहुत ख़राब हो गया है गाइज. तो ये बिफोर वाला वीडियो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जो मेरे ओरिजिनल बाल है तो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग देखिए जादू वाला मेरा हेयर. यस अभी फिर से कलर लगाने से पहले कुछ लगाते हैं वो लोग केमिकल. तो मैंने सोचा है कि मैं इस बार कलर लगाऊंगी क्योंकि आप लोगों को तो शायद पता है या नहीं मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने लाइफ में शायद 2 या 3 बार ही सिर्फ मेरे बालों में कलर किया है. तो
इस बार मैं सोच रही हूँ कि कलर करूँगी, सोच रही हूँ नहीं अभी लगा रही हैं वो लोग मेरे बालों में कलर, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पर्पल थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लाइट पर्पल कर लूँगी, कर लूँगी नहीं वो लोग करके देगा, क्या क्या बोलती हूँ मैं, मैंने बोला है कि पर्पल कलर कर दो तो वो लोग कर रहा है अभी। तो गाइस अभी मेरे बालों में पर्पल कलर का कलर लग रहा है, तो आप लोग देखते रहिए कैसा होता है रिजल्ट। सो गाइस एक तरफ मेरी बालों में कलर लग रहा है और दूसरी तरफ एक आंटी आई थी, तो आंटी बहुत खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम हेयर एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस था, तो वो बहुत मतलब ऐसे मिरर में देख देख के वो हंस रही थी, तो मुझे पता चला कि वो बहुत खुश है। तो वो खुश सिर्फ हेयर एक्सटेंशन के वजह से है, मतलब बहुत ही और सुंदर भी दिख रही थी आंटी, तो आंटी कर सकते हैं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है ना, इस सब लोग को हक है यार खूबसूरत दिखने के लिए, सबको मतलब जिसके पास वो कैपेसिटी है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी लग रही थी। सो फाइनली गर्ल्स अभी जो कलर लगाए थे मेरे बालों में वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मुझे अभी 25 टू 30 मिनट्स तक वेट करनी पड़ेगी क्योंकि उसको वॉश करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ड्राई होने के लिए क्या क्या करने के लिए पता नहीं, तो मुझे बैठने के लिए बोला है, वेट करने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूँगी गर्ल्स अभी मैं रील्स बनाऊँगी और फ़ोन चेक करूँगी। हाँ सो गाइस अभी मेरा बाल वॉश कर चुके हैं, उसके बाद वो लोग ड्राई कर रहे हैं और आप लोगों को शायद थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही है मेरे बालों में कलर, थोड़ी सी पर्पल कलर। और पहले तो मैंने कलर नहीं किया था, जब हेयर एक्सटेंशन किया था तब मेरे जो हेयर एक्सटेंशन का कलर है वो भी मेरे बालों की तरह ही थी ब्लैक, तो अभी मैंने कलर कर लिया है तो वो लोग एक्सटेंशन में भी कलर लगाएंगे अभी। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हेयर एक्सटेंशन करने से कोई दिक्कत तो नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है कैरी करने में, नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिली है मुझे, मेरी जो एक्सपीरियंस है सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि जो मेरे ओरिजिनल हेयर है वो तो थोड़ी सी शॉर्ट है, तो उसमें मुझे मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, जल्दी से मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो फटक से मतलब ड्राई हो जाती थी, तो अभी मुझे मतलब रेगुलरली ड्रायर यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि मैं रोज़ बाहर जाती हूँ तो उसमें मैं गीला बाल लेके ऐसे तो नहीं जा सकती हूँ, और क्या है, और ऐसे ही ओरिजिनल हेयर को जैसे ही हम लोग केयर करते हैं ठीक वैसी तरह ही हम लोग को केयर करनी चाहिए। और गाइस कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मन चाहे अपना हेयर स्टाइल चेंज कर मतलब कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल मतलब आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस हम लोग जब भी हेयर एक्सटेंशन करते हैं तब मंजू जी बोलते हैं कि हमको बड़ा सा एक कॉम यूज़ करना चाहिए सो डैट टेंगल ना पड़े और बालों में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए। और अभी तो मेरे बालों में हेयर एक्सटेंशन नहीं है इसलिए जो छोटी कंघी है उसको यूज़ कर रही है और अभी थोड़ा सा स्ट्रेट कर रही है मेरे बालों को, उसके बाद जो हेयर एक्सटेंशन कलर किए थे उन लोगों ने उस हेयर एक्सटेंशन को ही मेरे बालों में लगा रहे हैं वो लोग ग्लू के थ्रू से, तो देखते रहिए आप लोग कैसे लगाते हैं। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हेयर एक्सटेंशन का प्राइस कितना पड़ता है, कॉस्ट कितना बढ़ता है, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि हेयर एक्सटेंशन का जो प्राइस है वो अपने हिसाब से होते हैं, जैसे कि पर स्टैंड मतलब जो एक एक लगा रहे हैं ना वो स्टैंड बोलते हैं, तो पर स्टैंड 350 से लेकर 600 तक होते हैं, जैसे कि क्वालिटी वाइज लो क्वालिटी होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा प्राइस, और मीडियम क्वालिटी में होगा तो मीडियम ही होगा प्राइस, फिर हाई क्वालिटी का चाहिए तो हाई भी होगा पैसा भी तो आप लोग के हिसाब से होंगे, तो मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकती हूँ
जैसे कि लो, मीडियम, हाई क्वालिटी का है, तो उसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा लगाना है। फिर उसके बाद हमको चाहिए 100 स्टेन, 100 स्टेन से भी ज़्यादा लग सकते हैं। जैसे कि मेरा थोड़ा वो हेड भरा है तो मुझे 100 स्टेन से भी ज़्यादा लगी थी, शायद 160 स्टेन लगी थी मुझे, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 350 से 600 तक जो भी आप लेंगे, मतलब लो, मीडियम, हाई क्वालिटी का, तो आप एक चूज़ कर लीजिए, उसके बाद 160 से आप इंटू कर लीजिए, तो उसमें ही आपका हेयर एक्सटेंशन का प्राइस निकल के आ जाएगा। और आपको वहाँ पे केराटिन ट्रीटमेंट भी करनी है, क्योंकि हेयर तो डैमेज होगा ना, इसलिए आपको हेयर केयर भी करना चाहिए। और उसके बाद आपको शैम्पू जो है ना वो सल्फेट फ्री वाला यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि कंडीशनर और शैम्पू सल्फेट फ्री यूज़ करनी चाहिए। तो दूसरा शैम्पू तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे कि लोरियल का भी आती है सल्फेट फ्री वाली। तो फाइनली मेरा हेयर कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट गाइस कैसे हुई है। सो गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मेरी जो हेयर कलर है उसको कैसे लगी आप लोगों को। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादातर कलर नहीं लगाती हूँ बालों में, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि दूसरा कलर ट्राई कर लेती हूँ, मतलब सिर्फ ब्लैक में ही रहती हूँ मैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा चेंज करती हूँ मेरे लुक्स। और आप लोग भूलना मत, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं वेट करती रहूँगी कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। सो आई होप इस वीडियो से मतलब आप लोग को कुछ भी मतलब हेयर एक्सटेंशन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। डबल टोन बनाया जाता है, होता नहीं है। कोई भी आप लॉन्ग लेंथ लेते हो और उसको ट्रिमिंग कर देते हो तो डबल टोन ऑलरेडी हो जाता है। तो मैम का हमने कलर किया है, कलर आप देख सकते हो, कलर क्वालिटी देख सकते हो, और सेम कलर आया है जैसे मैम के हेयर पे और हमारे हेयर एक्सटेंशन पे सेम कलर है, तो आप रिजल्ट देख सकते हो। चल आप ऐसे घुमाओगे ना, फेवरेट वाला। हाँ तो जब भी बताना चाहिए था ना तेरे को, जल्दी बता रहा है आप, मुझे पता है ना कितने कमेंट्स आएंगे, छोड़ जब भी लिखता तुम्हें। तो गाइस मैम से पूछते हैं, मैम को कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रिफिल में कोई बाल झड़े या टूटे हो आपके? नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है और अच्छी लगा है इसलिए मैंने फिर से रिफिल किया है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ मैं देखो, कितने देखना, मैं देख कितनी काली लग रही।